आज मैं आपको ऐसा तरीके बताऊंगा जिसे अगर आप फॉलो करते हो तो अपने चैनल को मोनेटाइज करने के लिए जो 4000 घंटे की वॉच टाइम को कंप्लीट करना पड़ता है उसे आप 15 से 20 दिन के अंदर कंप्लीट कर सकते हो, वो भी बिल्कुल फ्री में। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। तो मेरे इस बात को सुनने के बाद आपको क्या लग रहा है, ऐसा कोई तरीका है? जी हाँ, ऐसा बहुत सारा तरीका है। आज की डेट पे ऐसा बहुत सारा तरीका है जिससे आप पैसे देकर, या फिर ऐसा बहुत सारा एप्लीकेशन है, या फिर ऐसा बहुत सारा वेबसाइट है जहाँ से आप थोड़ा बहुत पैसे लगा के आप अपने चैनल के लिए जो 4000 घंटे की वॉच टाइम है उसे कंप्लीट कर सकते हो। क्या ये तरीका जो है ये जेन्युइन है? इससे आपको आने वाले टाइम पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा? तो आप पिछले एक हफ्ते से, एक महीने से, या फिर एक साल से, या फिर डेढ़ साल से यूट्यूब के ऊपर काम कर रहे हो और आपके चैनल की जो 4000 घंटे की वॉच टाइम है उसे आप कंप्लीट नहीं कर पा रहे हो, तो उस सिचुएशन पे आपने अभी तक हो सकता है काफ़ी सारे ऐसे वीडियो को देखा है यूट्यूब पे ही जिसके ऊपर अलग अलग टॉपिक के बारे में बताया गया है कि आप अपने चैनल के अंदर ये कर लीजिए, इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए, यहाँ से आप वॉच टाइम को ले सकते हैं। या फिर काफ़ी सारे ऐसे यूट्यूबर है जो आपके पास पैसे लेकर आपको वॉच टाइम प्रोवाइड करता है। आपने काफ़ी सारे ऐसे पेड या फिर फ्री प्रोसेस को यूज भी कर लिया है अपने चैनल के ऊपर, फिर भी आपके चैनल की जो 4000 घंटे की वॉच टाइम है उसे आपने कंप्लीट नहीं कर पाए हो। तो इसी तरह का डिफरेंट वीडियो को देखने के बाद आप इस वीडियो को देखने के लिए आए हो। तो मैं यहाँ पे उम्मीद करता हूँ अगर आप इस वीडियो को एक बार लास्ट तक देख लोगे तो आपको इस टॉपिक के ऊपर लाइफ टाइम कभी भी और दूसरा वीडियो को देखने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैं आपको इस वीडियो के अंदर एकदम जेन्युइन प्रोसेस बताऊंगा 4000 घंटे की वॉच टाइम को कंप्लीट करने के लिए आपको कौन सा पॉइंट को ध्यान में रखते हुए अपने चैनल के ऊपर काम करना चाहिए जिससे आपकी चैनल की जो 4000 घंटे की वॉच टाइम है उसे आप काफी आसानी से कंप्लीट कर पाओ। उसके ऊपर मैं आपको इस वीडियो के अंदर 13 ऐसे पॉइंट बताऊंगा जिसे आप ध्यान में रखते हुए आप अपने चैनल के अंदर काम करते हो तो आप बहुत जल्द आप अपने चैनल के अंदर 4000 घंटे को कंप्लीट कर सकते हो और आप अपने चैनल की जो मोनेटाइजेशन है उसे आप ऑन कर सकते हो और आपके चैनल की जो अर्निंग है उसे आप शुरू कर सकते हो। तो ऐसा ही सिचुएशन आपके साथ भी है तो आपको कहीं पर भी कोई भी पैसा देने की कोई जरूरत नहीं है, कोई भी एप्लीकेशन, कोई भी वेबसाइट, कहाँ पे भी कोई भी ट्रिक को यूज करने की जरूरत नहीं है। बस मैं आपको यहाँ पे जो पॉइंट बताऊंगा उसे आप फॉलो करोगे तो आप काफी आसानी से अपने 4000 घंटे की वॉच टाइम को कंप्लीट कर सकते हो। अगर आप यूट्यूब को लेकर सीरियस हो तो, अगर सीरियस नहीं हो, आप चाहते हो कि आप बहुत जल्द से जल्द आप अपने चैनल को मोनेटाइज कर लो, पैसे देकर ही आप वॉच टाइम को खरीद लेते हो, तो उसी चैनल पे आपकी चैनल तो एक मोनेटाइज नहीं होगा, गलती से आपकी चैनल मोनेटाइज हो भी जाता है तो उसी चैनल पे कभी भी आपकी चैनल की जो मोनेटाइज है वो डीमोनेटाइज हो सकता है। तो इसी वजह से अगर आप लॉन्ग टाइम तक यूट्यूब के ऊपर से अर्निंग करना चाहते हो, लॉन्ग टाइम तक अपने नाम दौलत सब कुछ बना के रुतबा बना के रखना चाहते हो तो उसी सिचुएशन पे आपको इस तरह का गलती बिल्कुल भी नहीं करना है, बिल्कुल जेन्युइन तरीके से आपको यूट्यूब के ऊपर काम करना है। तो चलिए अब देखते हैं कि कौन सा पॉइंट है जिसे आपको ध्यान में रखना पड़ता है। सबसे पहले आपको आपके चैनल के ऊपर, आप जैसे ही कोई भी यूट्यूब के ऊपर काम करने के लिए एक चैनल बनाते हो तो सबसे पहले आपको चैनल बनाने से पहले आपको आपकी आप अपने चैनल के ऊपर किस डिश के ऊपर काम करोगे उसे आपको डिसाइड करना पड़ता है। अगर आपको मालूम नहीं है कि आप अपने हिसाब से, आप कहीं पर भी जॉब करते हो, कहीं पर भी स्टूडेंट हो, या फिर आपके पास ज़्यादा पैसा नहीं है, आपके पास कंप्यूटर लैपटॉप नहीं है, बस एक मोबाइल फ़ोन है, तो इस सिचुएशन पे आप अपनी मानी अपनी टाइम के हिसाब से, आप अपने इंटरेस्ट के हिसाब से सही नीच को कैसे डिसाइड कर सकते हो ये आप जानना चाहते हो तो इसके ऊपर डेडिकेटेड वीडियो बना के अपने चैनल पर डाल कर रहा है, आप उस वीडियो को देख सकते हो, उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। तो सबसे पहले पॉइंट यही हो गया कि आपको आपकी चैनल के ऊपर काम करने के लिए सबसे पहले एक सही नीच ढूंढना पड़ेगा। उसके बाद दूसरा जो पॉइंट होता है ब्रांड चैनल। इसका मतलब है आप जब भी कोई एक चैनल बनाते हो उसे आपको सबसे पहले आपकी माइंड सेट आपको इस तरह से क्रिएट करना पड़ेगा कि आप जो चैनल को बनाए हो वो कुछ ही दिनों के अंदर या फिर कुछ ही सालों के अंदर वो एक ब्रांड के हिसाब से व्यूअर आपके चैनल को देखेगा, उस हिसाब से आपको सबसे पहले क्रिएट करना पड़ेगा। इसलिए आपको सबसे पहले एक प्रोफेशनल लोगो, प्रोफेशनल थंबनेल, प्रोफेशनल डिस्क्रिप्शन, चैनल बैकग्राउंड, ये सब कुछ प्रोफेशनल तरीके से क्रिएट करना पड़ेगा ताकि कोई भी एक जेन्युइन व्यूअर आपके चैनल को विजिट करे उसे आपकी जो चैनल है वो बिल्कुल जेन्युइन चैनल दिखाई दे, जिससे वो जो व्यूअर है उसका ट्रस्ट आपके ऊपर आ जाए और वो आपकी 2-3 वीडियो को देखने के बाद वो आपके चैनल को सब्सक्राइब करके आपकी सब्सक्राइबर बन जाए। इसकी वजह से आपको सबसे पहले खुद ही सोचना पड़ेगा कि आपकी जो चैनल है, जो आपकी नाम आपने रखा है अपने चैनल की, वो बाद में चल के एक ब्रांड बनेगा। इस हिसाब से आपको यूट्यूब के ऊपर काम करना पड़ेगा। तो दूसरा पॉइंट यही हो गया। तीसरा जो पॉइंट है कोर्स लॉन्च। सबसे पहले आप कोशिश करना आप जिस नीच की ऊपर काम कर रहे हो, जो नीच आपने डिसाइड किया है अपने चैनल के लिए, उस नीच से रिलेटेड कुछ कोर्स को आप लॉन्च करने की कोशिश करना अपने चैनल के ऊपर। उसके लिए सबसे पहले आपको सही तरीके से उस नीच के बारे में आपको सही तरीके से नॉलेज होना चाहिए। उसके लिए आप यूट्यूब के ऊपर या फिर गूगल की मदद ले सकते हो। उस नीच के ऊपर सही तरीके से आप
रिसर्च करना, रिसर्च करने के बाद उस नीच के ऊपर जो कोर्स आप बना सकते हो उसे आप बनाना, उसे आप छोटे छोटे करके आप डिवाइड करके भी वीडियो बना सकते हो, या फिर एक लंबे वीडियो भी बना सकते हो, ये आपकी ऊपर डिपेंड करता है। कोर्स लॉन्च करने से ये होगा आपके चैनल के ऊपर कोई भी व्यूअर आता है जो आपकी उस टॉपिक के बारे में वीडियो देखना चाहता है, अगर एक वीडियो देखता है और उसे आपकी कॉन्टेंट, आपकी समझाने की तरीका पसंद आ जाता है, तो वो आपके चैनल की बाकी जो उस कोर्स रिलेटेड वीडियो होगा उसे भी देखेगा, जिससे आपकी चैनल के ऊपर अच्छा खासा वॉच टाइम आपको मिलेगा। तो आपकी वीडियो वायरल होने के साथ साथ आपकी जो 4000 घंटे की वॉच टाइम है उसे भी आप कंप्लीट कर सकते हो, अगर आप अपने चैनल के अंदर किसी भी कोर्स अपने नीच की तरफ से कोर्स को लॉन्च करते हो। तो इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट आता है, अगर आप अपने चैनल के अंदर कोई भी कोर्स को लॉन्च नहीं कर पाते हो, उतना नॉलेज आपके पास इस टाइम पे नहीं है, तो उस टाइम पे आप कोशिश करना आप अपने नीच की तरफ से कुछ ट्यूटोरियल वीडियो को आप बना पाओ। अगर आप अपने नीच की तरफ से ट्यूटोरियल वीडियो को बनाते हो तो उस सिचुएशन पे तो कोई भी व्यूअर आपकी ट्यूटोरियल वीडियो को देखने आता है तो ज्यादातर ट्यूटोरियल वीडियो के ऊपर अच्छा खासा वॉच टाइम देखने को मिलता है। तो इसी वजह से अगर आप ट्यूटोरियल वीडियो को बनाते हो और सही तरीके से प्रेजेंट कर पाते हो अपने व्यूअर के पास, तो आपकी जो व्यूअर है वो आपकी उस वीडियो के अंदर अच्छा खासा वॉच टाइम देखा जाता है, ऑडियंस रिटेंशन, जिसकी वजह से आपकी ऑडियंस रिटेंशन जो है वो अच्छा खासा रहता है, जिसकी वजह से वो ट्यूटोरियल वीडियो वायरल होने के साथ साथ आपकी चैनल की जो 4000 घंटे की वॉच टाइम है वो भी कंप्लीट हो जाता है। तो इसी वजह से आप कोशिश करना, या तो आप अपने चैनल के अंदर कोई भी कोर्स अपने नीच से रिलेटेड कोई भी कोर्स को लॉन्च कीजिए, या फिर आप अपने चैनल के नीच के रिलेटेड कोई भी 4-5 या फिर 10 ट्यूटोरियल वीडियो को आप सबसे पहले बनाने की कोशिश करना, इससे आपकी 4000 घंटे की वॉच टाइम कंप्लीट होने के पीछे काफी ज्यादा मदद करेगा। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है, हाइप क्रिएट या फिर इंटरेस्टिंग पार्ट कह लो। अपने वीडियो को शुरू करने के टाइम पहले टाइम पे 1 से लेकर 30 सेकंड के अंदर आप अपनी वीडियो की जो इंटरेस्टिंग पार्ट है, अपनी पूरी वीडियो के अंदर से सबसे जो इंटरेस्टिंग पार्ट है उस पार्ट को आप काट करके अपनी वीडियो की जो पहले 30 सेकंड है वहाँ पे आप डाल सकते हो, जिससे आपकी व्यूअर जो होगा उस 30 सेकंड को एक बार देख लेगा तो उसकी मन में एक हाइप क्रिएट हो जाएगा, जिसकी वजह से वो जो व्यूअर है लगभग 50% से अबव आपको वॉच टाइम देकर जाएगा, इसका एक सिक्योरिटी आपके लिए बन जाता है। तो इसकी वजह से आपको हमेशा कोशिश करना होगा आपकी हर एक वीडियो की पहले 30 सेकंड के अंदर आपको ऐसा कुछ करने की कोशिश करना होगा, या फिर आपकी उस पूरा वीडियो के अंदर से सबसे जो हाइप वाला पार्ट है, सबसे जो इंटरेस्टिंग वाला पार्ट है, उसे आपको अपनी वीडियो की पहले 30 सेकंड के अंदर डालने की कोशिश करना होगा। इससे भी आपके वीडियो के अंदर अच्छा खासा वॉच टाइम देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से आपकी चैनल की जो 4000 घंटे की वॉच टाइम है काफी जल्दी कंप्लीट होने की चांस बढ़ जाता है। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट आता है, इंट्रो स्किप, इसका मतलब है काफी सारे ऐसे अभी भी यूट्यूबर को देखा गया है जो अपने वीडियो के अंदर बीच में एक इंट्रो को, अपने चैनल से रिलेटेड एक इंट्रो को बना के रखता है, जिसे अपने वीडियो के बीच में डाल देता है। इसकी वजह से जो व्यूअर होता है उसे आपकी जो वीडियो है वो बोरिंग लगता है और वो आपकी वीडियो को स्किप करके चला जाता है, जिसकी वजह से आपकी वो वीडियो डेड वीडियो हो जाता है और आपकी चैनल की जो 4000 घंटे की वॉच टाइम है वो भी कंप्लीट नहीं होता है। इसी वजह से आपको यहाँ पे आपकी वीडियो के अंदर कोई भी ऐसा इंट्रो वाला पार्ट को आपने बना के रखा है, या फिर खुद से आप अपने इंट्रोडक्शन देते हो, तो उसे आपको देना बंद करना पड़ेगा, नहीं तो आपकी जो 4000 घंटे की वॉच टाइम है उसे आप कंप्लीट करने में काफी ज्यादा आपको टाइम लगेगा। फिर भी आप अपने चैनल के बारे में अपने बारे में एक इंट्रो बनाना चाहते हो, तो YouTube की तरफ से एक चैनल टीजर बोल के एक ऑप्शन दिया गया है, आप वहाँ पे आप अपने चैनल के बारे में आप सब कुछ बोल के एक इंट्रोडक्शन एक ट्रेलर वीडियो बना के वहाँ पे डाल के रख सकते हो, जिससे आपके चैनल के अंदर सब्सक्राइबर बढ़ने की चांस काफी ज्यादा होता है। आप चाहो तो वहाँ पे जाके आप इंट्रो को डाल सकते हो। अगर आपको मालूम नहीं है कि आप किस तरह से इंट्रो को बना सकते हो, कहाँ पे इंट्रोडक्शन को लगा सकते हो, तो इसके ऊपर मैं डेडिकेटेड वीडियो बना के अपने चैनल के ऊपर डाल कर रहा है, आप चाहो तो उस वीडियो को देख सकते हो। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट आता है, बेस्ट एडिटिंग। आपको सही तरीके से अपने वीडियो को एडिट करना काफी ज्यादा जरूरत पड़ता है। अगर आपकी कॉमेडी चैनल है या फिर आपकी फूड या फिर ब्लॉगिंग रिलेटेड चैनल है, तो उस सिचुएशन पे आप ज्यादा एडिटिंग नहीं भी करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपकी एडुकेशन चैनल है या फिर मेरे तरह वीडियो बनाते हो, तो उस सिचुएशन पे आपको थोड़ा बहुत अच्छा खासा एडिटिंग करना पड़ेगा अपनी वीडियो को। अगर आपको थोड़ा बहुत एडिटिंग आता है तो उस सिचुएशन पे आप देखोगे जिस वीडियो के अंदर अच्छा खासा एडिटिंग रहता है उस वीडियो के अंदर अच्छा खासा वॉच टाइम देखने को मिलता है और वो वीडियो वायरल होने के भी चांस काफी ज्यादा होता है। आपकी फेस को देखे या फिर ना देखे, आपकी बैकग्राउंड को देखे या फिर ना देखे, आप जो एडिटिंग की हो अपनी वीडियो के अंदर उसे देखते हुए आपकी वीडियो की 50% ऑडियंस रिटेंशन कब दे देता है उस व्यूअर को वो पता नहीं चलता है, जिसकी वजह से आपको थोड़ा बहुत एडिटिंग तो आना चाहिए। अगर आपके पास कंप्यूटर लैपटॉप है या फिर मोबाइल फोन है और आपको एडिटिंग के बारे में कुछ भी मालूम नहीं है और आप चाहते हो कि इस चैनल के ऊपर एडिटिंग के ऊपर एक कोर्स को लॉन्च करूँ, एकदम बेसिक टू एडवांस लेवल का, जिस तरह से बेसिक टू एडवांस लेवल का यूट्यूब कोर्स को लॉन्च किया हूँ, इसी तरह से आप चाहते हो कंप्यूटर लैपटॉप या फिर मोबाइल फोन के ऊपर एडिटिंग को लेकर एक कोर्स को लॉन्च करूँ, तो आप नीचे कॉर्नर से कमेंट करके बोलना, मैं इसके ऊपर भी एक कोर्स को बहुत जल्द लॉन्च करने की कोशिश करूंगा, जहां पे आपको बेसिक टू एडवांस लेवल का एडिटिंग बता दूंगा बिल्कुल फ्री में, आप सीख सकते हो।
आपके पास चाहे कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल फोन, कुछ भी डिवाइस हो, वही से आप कर सकते हो। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट आता है, अपलोड योर वीडियो बेस्ट टाइम। अपने वीडियो को अपलोड करने की सही टाइम होता है, हर एक चरण की सबसे अलग अलग टाइम होता है। तो सबसे पहले आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि आपकी चरण की हिसाब से, आपकी ऑडियंस के हिसाब से आपकी चरण की बेस्ट टाइम कौन सा है। जिस टाइम पे आप अपने चरण के अंदर कोई भी वीडियो को पब्लिक करोगे तो आपकी वीडियो के ऊपर अच्छा खासा व्यू देखने को मिलेगा, आपकी उस वीडियो की एंगेजमेंट अच्छा खासा होने के चांस होता है। अगर आप अपने वीडियो को अपलोड करने के साथ साथ ही उसके अंदर अच्छा खासा रेस्पॉन्स देखने को मिलता है तो यूट्यूब की जो एल्गोरिथम है उसे लगता है आपकी वीडियो के अंदर कुछ ऐसा है जिसकी वजह से आपकी वीडियो अपलोड होने के साथ साथ ही उस वीडियो के अंदर इतना अच्छा रेस्पॉन्स मिल रहा है, तो उसके चलते हुए यूट्यूब की जो एल्गोरिथम है वो आपकी वीडियो की अलग अलग व्यूअर्स के होम स्क्रीन पे, सजेशन वीडियो पे, सर्च रिजल्ट पे भेजना शुरू कर देगा। अगर यूट्यूब की एल्गोरिथम ये सब करने लग जाता है तो आपकी चैनल को ग्रो होने में कोई भी नहीं रोक सकता है। अगर आपको मालूम है यूट्यूब की एल्गोरिथम क्या है, किस तरह से काम करता है, उसे आप यूज में लेकर अपने चैनल को कैसे ग्रो कर सकते हो, इसके ऊपर मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बना के अपने चैनल के ऊपर डाल रहा है, आप चाहते हो उस वीडियो को भी देख सकते हो, उस वीडियो का भी लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट आता है, ओल्ड वीडियो लेंथ। यार मान लीजिए मैं अभी इस वीडियो को बना रहा हूँ और इस वीडियो को बनाने के टाइम मैंने अपने चैनल की पुराने कुछ वीडियो को प्रमोट किया है और उन सभी वीडियो की जो लिंक है उसे मैं अपनी वीडियो की आई बटन पे डिस्क्रिप्शन पे डाल देता हूँ, जिसकी वजह से मेरे चैनल की जो पुराने वीडियो है उस वीडियो के अंदर भी अच्छा खासा रेस्पॉन्स देखने को मिलेगा। अगर कोई भी व्यूअर उस टॉपिक को देखने के लिए इंटरेस्ट रहेगा तो इस वीडियो को देखने के बाद उस वीडियो को भी देख सकता है। इसकी वजह से मेरे चैनल की जो पुराना वीडियो है उसके ऊपर भी अच्छा खासा व्यू आएगा, पुराने वीडियो के ऊपर भी व्यू आएगा, तो मेरे चैनल की जो 4000 घंटे की वॉच टाइम है वो काफी जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। तो इसी वजह से आपके चैनल की जो पुराना वीडियो है उसको लिंक अप करना पड़ेगा आपके चैनल की लेटेस्ट वीडियो के अंदर। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट आता है, रॉन्ग इन्फॉर्मेशन। आप भूल करके भी आप अपने व्यूअर को ऐसा कोई भी गलती, रॉन्ग इन्फॉर्मेशन मत दीजिएगा जो लीगली या फिर जो सच में हो ही नहीं सकता है। आप ऐसा कुछ बोल रहे हो अपने व्यूअर को जो इन्फॉर्मेशन पूरी तरीके से रॉन्ग है। अगर इस तरह का आप वीडियो बार बार बना के अपने चैनल के ऊपर पोस्ट करोगे तो आपका जितना भी व्यूअर होगा उसका ट्रस्ट आपकी ऊपर से खत्म हो जाएगा। आने वाला टाइम पे आप चाहे सही तरीके से सही इन्फॉर्मेशन देकर भी वीडियो क्यों ना पोस्ट करो, उसके ऊपर आपको अच्छा खासा रेस्पॉन्स देखने को नहीं मिलेगा। इसकी वजह से आप कभी भी अपनी कंटेंट की माध्यम से अपने व्यूअर को रॉन्ग इन्फॉर्मेशन मत दीजिएगा। और इसके बाद 12 नंबर जो पॉइंट है, कनेक्ट योर सब्सक्राइबर। ये भी काफी ज्यादा जरूरी होता है एक चैनल को ग्रो करने के पीछे, अपनी चैनल की जो 4000 घंटे की वॉच टाइम है उसे भी कंप्लीट करने के पीछे। यहाँ पे कनेक्ट योर सब्सक्राइबर का मतलब है, मान लीजिए आपने कोई भी एक वीडियो को पोस्ट किया है, उस वीडियो के अंदर चाहे एक ही सब्सक्राइबर क्यों ना, कोई भी सवाल आपको किया है कमेंट बॉक्स पे, आपको सबसे पहले आपको कोशिश करना होगा 12 से लेकर 24 घंटे के अंदर आप उसे उस सवाल की जवाब देने की कोशिश करना। या फिर अगर आपके कमेंट बॉक्स के अंदर कोई भी ऐसा व्यूअर आपकी वीडियो को देखने के बाद ऐसा कमेंट किया है कि आपने बहुत अच्छा वीडियो बनाए हो या फिर गुड वीडियो, नाइस वीडियो, इस तरह का कुछ भी कमेंट आपके वीडियो के अंदर आया है, तो सबसे पहले आपको उस कमेंट पे जाके लाइक या फिर जो हार्ट होता है उसे आपको जरूर से जरूर देना होगा। अगर आप ऐसा करते हो तो आपकी जो व्यूअर है उसे आपकी ऊपर एक ट्रस्ट होता है, आप जेन्युइन पर्सन हो उसे वो लगने लगता है। आगे चल के कोई भी ऐसा प्रॉब्लम होता है तो वो सबसे पहले आपकी वीडियो के ऊपर ही आके कमेंट करेगा, ताकि उसे पता है कि उसका जो सवाल है उसका जवाब आप दे सकते हो उसे। तो इस तरह का एक रिश्ता आपके सब्सक्राइबर के साथ आपको खुद ही से बनाना पड़ेगा। इसके बाद जो नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट आता है, एक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है आपकी चैनल की 4000 घंटे की वॉच टाइम को कंप्लीट करने के लिए, डोंट शेयर योर वीडियो रॉन्ग पर्सन। सबसे ज्यादा गलती जो न्यू यूट्यूबर होता है यही करता है और इसकी वजह से उसका चैनल की जो 4000 घंटे की वॉच टाइम है उसे वो कंप्लीट नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से उसे यूट्यूब को कभी कभी स्किप भी करना पड़ता है। तो आपको एक गलती बिल्कुल भी नहीं करना है, कोई भी रॉन्ग पर्सन मतलब आप जिस टॉपिक के ऊपर वीडियो बना रहे हो उस टॉपिक से रिलेटेड जिसे कोई भी इंटरेस्ट नहीं है उसे आप अपनी वीडियो को बिल्कुल भी शेयर मत कीजिए, चाहे वो आपकी फैमिली मेंबर ही क्यों ना हो, कोई भी रिश्तेदारी क्यों ना हो, कोई भी दोस्ती क्यों ना हो, जिसे उस टॉपिक की पर इंटरेस्ट नहीं है उसके साथ उस वीडियो को बिल्कुल भी शेयर मत कीजिएगा। अगर फिर भी आप उसे शेयर करते हो तो आप अपने चैनल को खुद अपने हाथों से डेड चैनल बना रहे हो। आप कभी भी अपने चैनल के अंदर ना 1000 सब्सक्राइबर को कंप्लीट कर पाओगे, ना 4000 घंटे की वॉच टाइम को कंप्लीट करोगे अगर आप अपनी वीडियो को अपने रिश्तेदार, अपनी फैमिली, अपने दोस्तों के अंदर शेयर करोगे तो, क्योंकि उसे आपकी उस टॉपिक की पर कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। बस आपके कहने की वजह से उस लिंक की पर क्लिक करके एक बार प्ले करके 5-10 सेकंड देख के उसे स्किप कर देता है। मान लीजिए आपकी जो वीडियो है वो 5 मिनट का वीडियो है और उसे आपके दोस्त, फैमिली मेंबर या फिर रिश्तेदार बस 5 या फिर 10 सेकंड देख के स्किप कर देता है, तो उस वीडियो की जो ऑडियंस रिटेंशन है वो काफी ज्यादा कम हो जाता है, जिसकी वजह से यूट्यूब आपकी उस वीडियो को डेड वीडियो बना देता है। यूट्यूब उस वीडियो को ना सर्च रिजल्ट पे, ना
साथ ही वीडियो पे ना होम स्क्रीन पे कहीं भी नहीं दिखाता है, जिसकी वजह से आपकी वो जो वीडियो है पूरी तरीके से डेड वीडियो बन जाता है। तो ये भी गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। तो मैं इस वीडियो के अंदर जो 13 पॉइंट बताया है, अगर आप इन सभी पॉइंट को सही तरीके से अपने दिमाग पे रख के काम कर पाते हो अपने चैनल के ऊपर, तो आप काफी आसानी से 1000 सब्सक्राइबर को कंप्लीट करने के साथ साथ 4000 घंटे को भी आप काफी जल्दी कंप्लीट कर सकते हो। और आप चाहते हो कि आप पैसे देकर वॉच टाइम को और 1000 सब्सक्राइबर को खरीद लो और आप अपने चैनल को मोनेटाइज कर लो और आप अपने हाथों से अपने चैनल को बर्बाद कर दो, तो ये अब आपकी ऊपर डिपेंड करता है कि आप जेन्युइन तरीके से काम करना चाहते हो, जेन्युइन तरीके से काम करके 1000 सब्सक्राइबर 4000 घंटे की वॉच टाइम को कंप्लीट करने के बाद आप लॉन्ग टाइम तक आप यूट्यूब की पर रहना चाहते हो, यूट्यूब से नाम दौलत साथ हासिल करना चाहते हो, या फिर गलत तरीके से अपने चैनल को मोनेटाइज करके बस 1 महीने 2 महीने या फिर 1 साल के अंदर जो कुछ भी अर्न करो या फिर कोई भी अर्निंग ही ना करो, इस तरह से काम करना चाहते हो, तो ये आपकी डिपेंड करता है। और आप जानना चाहते हो कि जेन्युइन तरीके से आप 1000 सब्सक्राइबर को कैसे कंप्लीट कर सकते हो, तो इसके ऊपर भी एक डेडिकेटेड वीडियो बनाकर अपने चैनल के ऊपर डाल कर है, आप चाहते हो वीडियो को देख सकते हो। स्क्रीन के ऊपर की तरफ जो वीडियो दिखाई दे रहा है आप उसके ऊपर क्लिक करके जेन्युइन तरीके से 1000 सब्सक्राइबर को कंप्लीट करके जो प्रोसेस है उसे आप देख सकते हो। और आप यूट्यूब के बारे में ए टू जेड सीखना चाहते हो तो आपको नीचे की तरफ जो बेसिक टू एडवांस लेवल का जो यूट्यूब कोर्स मिला है आप इसके ऊपर भी क्लिक करके यूट्यूब के बारे में ए टू जेड सब कुछ सीख के आप यूट्यूब के ऊपर ग्रो कर सकते हो। तो चलिए मिलते हैं आप सके ऐसे और एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।